है कि जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो गए हो, जनता इसको कैसे व्यू करती है? हमें इस चीज को बढ़ावा देते, मैंने देखा है कि सभाओं में जब नेताओं ऐसे अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हम चुस्कियां लेकर सुनते हैं। जो सर्कल है ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो ना किसी न किसी पार्टी को इसे खत्म करना पड़ेगा बीच में। ओके, हाँ, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। अभी जो जो जनता के बीच से आवाज आई है वो आप लोगों ने सुना होगा, सब लोगों ने, कि इनका भी वही कहना है कि नेता ऐसे शब्द बोल करके मेन मुद्दे से जनता का ध्यान हटाते हैं और जनता लोकसभा 552 लोकसभा में सांसद होते हैं और 250 राज्यसभा में, इसमें कितने हमारा ये कहना है कि जो मेन मुद्दे से भटकाने के लिए ये सब बातें जो भी कहा गया आज बताइए। आप भी वही काम करते हैं के लिए? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं? ऐसा नहीं करते हैं। वरुण गांधी क्या कर रहे थे? वरुण गांधी क्या कर रहे थे? जो भी प्रमुख रूप से जिस वरुण गांधी की बात करते हैं तो बोले गए हैं उनके बोलने वालों जनता को लाना नहीं चाहते। आप तो इलेक्शन की तकरीर के वजह से आपके जो एक मेंटालिटी है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, दूसरे सब खराब। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। नहीं, मुझे ये बताइए, ये जो पर्सनालिटीज का क्लैश है, क्या आपको लगता है मुद्दों से ज्यादा आज हम पर्सनालिटीज के क्लैशेस देखते हैं और उसी की वजह से ये समस्या भी उत्पन्न होती है? इतना जनरलाइज नहीं करना चाहिए। और अभी शास्त्री जी बहुत सारी बात कह रहे थे, कुछ चीजों से इत्तेफाक हो सकता है, कुछ चीजों से नहीं हो सकता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये चर्चा जो है हम इश्यू बेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी वही सियासत शुरू हो गई कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। जो सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आपकी बात मैंने पूरी तरह देखिए। शास्त्री जी देखिए, अगर आप जब आप बोल रहे थे मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, ठीक है, आपकी पूरी बात सुनिए, लेकिन मैं आपको बदले की बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत ईमानदारी के साथ यहाँ पर जब आपसे पहली बार आपने सवाल किया तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बताया। इसमें पार्टी कहीं नहीं थी, इसके अंदर सियासत कहीं नहीं थी, इसके अंदर एक सोच थी। तीन लोगों ने अपनी बात रखी, मैं तीनों बात क्या हो रहा है आज, एक पर्टिकुलर किसी आदमी को प्रोजेक्ट करने के लिए किस तरह से फेक अकाउंट्स बनाए जाते हैं और उसके जरिए किसी दूसरी पार्टी के लोग किस तरह गाली दी जाती है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो एक अफसोसनाक बात है। ट्विटर पर इससे भी ज्यादा घटिया बातें होती हैं जो पॉलिटिशियन कर रहे हैं, और वो बातें आवाम की तरफ से होती हैं, वो पॉलिटिशियन की तरफ से नहीं होती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जब माशरा सारा गड़बड़ हो जाता है तो उसके अंदर सारे माशरे को दुरुस्त करने की बात होती है, समाज को दुरुस्त करने की बात होती है, इसलिए सारे समाज को हकीकत बात यह है कि जिस तरह का ये प्रयोग हो रहा है और जो सोशल मीडिया का जो मिसयूज हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, वो जैसे अफजल भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो मजे के आपस में मुनाफरत, एक दूसरे के कम्युनिटी के खिलाफ बात करना और मजे के एक दूसरे के रिलीजियस लीडर्स के, पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड में हो रही हैं, तो ये बेसिकली जैसे अफजल साहब ने कहा, शायद भाई ने भी बात कही, कि ये हमको सबको बैठकर सोचना पड़ेगा कि इसका कोई ना कोई तो अंत निकले, कोई ना कोई तो इसका हल हो, वरना हम जा किधर रहे हैं। शाहिद साहब, ये जो अभी सिनिसिज्म की भी बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस भी ऐसे हो गए हैं जिसको पूरा करने के लिए इस तरह की चीजें उछाली जाती हैं, इस तरह की चीजें कही जाती हैं? पॉलिटिकल एम्बिशंस भी हैं, देखिए समाज में पूरे में पतन है, ये एक सच्चाई है। अब वो कितने नीचे गिरेंगे और कहां जाके रुकेगा, इतिहास को अगर देखेंगे, इतिहास में ऐसे मौके आते हैं, हालात आते हैं जब एक सोशल डिके होता है, लेकिन वो रुकता भी है, ऐसा नहीं कि वो गिरते ही चले जाते हैं, रुकता है फिर वापस भी होते हैं जब इसका एहसास होता है। मेरे ख्याल में आज जो आपने ये प्रोग्राम किया है वहां से शायद वापसी की शुरुआत हो, कि एक हमको एहसास होता है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, और जब ये एहसास बढ़ता जाता है हमारे मीडिया से होगा ये, लेकिन बट उनकी भी राय सुन ले, बताइए क्या गवर्नमेंट।